हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जानेंगे एस ओएस वर्जन 8.4 एंड लेटर पैकेट फ्लो के बारे में समझने के लिए हम डायग्राम की मदद लेंगे जैसे कि हमारे पास हो गया एक पीसी पीसी को कनेक्ट किया स्विच के साथ स्विच से कनेक्ट किया ए एस से एस से को कनेक्ट किया हमने इंटरनेट के साथ इंटरनेट को कनेक्ट किया हमने फायरवॉल टू के साथ फायरवॉल टू से फर्दर लेन और यूजर पी सी वन का आई पी एड्रेस वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट वन जीरो वन डॉट हंड्रेड फायरवॉल का इनसाइड आई पी वन ज़ीरो वन डॉट वन आउटसाइड आई पी वन जीरो वन डॉट वन डॉट हंड्रेड पहला आई पी आई एस पी को और फायरवॉल टू का पब्लिक आई पी एड्रेस वन जीरो टू लेन एक सौ बानवे एक सौ अड़सठ एक सौ दो डॉट एक और एक सौ बानवे एक सौ अड़सठ एक सौ दो डॉट हंड्रेड ये हमारा स्नेरियो है हमने फायरवॉल वन और फायरवॉल टू के बीच में बना रखा है वीपीएन तो ये हो गया हमारा वीपीएन तो जब फायरवॉल वन से पैकेट आएगा यदि उसका सोर्स आईपी तो वीपीएन जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो इस प्रकार से बताना पड़ेगा कि यदि सोर्स आईपी इस नेटवर्क को मैं वन जीरो वन डॉट एक्स से रिप्रेजेंट करूँगा इसको वन जीरो टू डॉट एक्स से तो जब सोर्स होगा वन जीरो वन डॉट एक्स और डेस्टिनेशन आईपी होगा वन जीरो टू डॉट एक्स तो वो वीपीएन के अंदर एंटर कर सकता है उसी प्रकार जब उधर से आपका ट्रैफिक आएगा तो इधर हो जाएगा हमारा सोर्स आई पी वन जीरो टू डॉट एक्स वन जीरो टू डॉट एक्स और डेस्टिनेशन आई पी हो जाएगा यहाँ पे वन जीरो वन डॉट एक्स डन अब पैकेट फ्लो यानी कि जो पीसी है वो इससे कम्युनिकेट करना पीसी वन पीसी कम्युनिकेट करना चाहता है तो एक पैकेट बनेगा तो पैकेट में हमने रखा कि सोर्स आईपी हो गया हमारा 101 .x और डेस्टिनेशन आईपी हो गया वन जीरो टू डॉट एक्स इस प्रकार से एक पैकेट बनेगा जो फायरवॉल के पास आएगा तो यहाँ पे हमारे जो एस ए पे पैकेट फ्लो होता है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं तो टोटल फिफ्टीन पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं पैकेट फ्लो के अंदर ज्यादा भी हो सकते हैं समझने के लिए इतने ही काफी हैं तो मैं उनको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिर हमारा हो जाएगा एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन और फिफ्टीन तो जो सबसे पहला पॉइंट है तो यहाँ पे क्योंकि लिखना पॉसिबल नहीं है तो मैं बोल दूंगा जो आप समझ सकते हो ठीक है ओके तो सबसे पहले जो पैकेट है वो आपका इनग्रेस इंटरफेस पे आएगा तो सबसे पहला पॉइंट होता है ये कि जो पैकेट है वो आपके इंटरफेस पे आएगा इंटरफेस पे पैकेट आ गया दूसरा पॉइंट होता है जैसी पैकेट इंटरफेस पे आएगा तो जो इंटरफेस का बफर है वो इंक्रीमेंट पैकेट काउंट वाला जो बफर है इनपुट काउंटर है वो इंक्रीमेंट बाय वन यानी उसके अंदर एक ऐड कर दिया जाता है मान के चलो पहले पहला ही पैकेट है तो जीरो प्लस तो तो कितने पैकेट इंटरफेस पे रिसीव हुए वो दूसरा स्टेप होता है तो पहला पैकेट इंटरफेस पे आ गया दूसरा इनपुट काउंटर ऑफ पैकेट इंक्रीमेंटेड बाय वन एक नंबर बढ़ा दिया जाएगा ओके दूसरा पॉइंट हो गया तीसरा होता है कि ए एस से देखेगा अपने यहाँ पे क्या चेक करेगा कनेक्शन टेबल तो कनेक्शन टेबल को यहां पे चेक करेगा क्योंकि ये पहला ही पैकेट है तो कनेक्शन से मैच नहीं करेगा ओके okay? तो थर्ड स्टेप में होता क्या है ए एस अपनी इंटरनल कनेक्शन टेबल को देखता है मैच करता है कि जो पैकेट है वो करंट कनेक्शन से मैच करता है या नहीं करता है यदि कनेक्ट connection... कनेक्शन जो पैकेट है वो करंट कनेक्शन से मैच करता है तो एसीएल चेक को बायपास कर दिया जाता है लेकिन पहला ही पैकेट है तो कनेक्शन टेबल से मैच नहीं करेगा तो ये हो गया तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट अगर पैकेट करंट कनेक्शन से मैच नहीं करता है तो चौथे पॉइंट पे आपका वेरीफाई किया जाता है टीसीपी स्टेट यानी के टी सी स्टेट के अंदर कि जो पहला पैकेट है वो सिन होना चाहिए अगर सिन नहीं है तो वो ड्रॉप कर दिया जाएगा तो यहाँ पे चेक किया जाएगा कि ये पैकेट टी का सिन है अथवा यूडीपी का पैकेट है तो चार स्टेप हो गए पांचवे पे आपका यहाँ पे क्या किया जाता है अनट्रांसलेट यानी अगर पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी ट्रांसलेटेड है तो उसे अन ट्रांसलेट किया जाएगा तो पांचवा पॉइंट जो है यहाँ पे आपका होगा अन ट्रांसलेशन क्योंकि अभी हमने पैकेट कोई ट्रांसलेट नहीं कर रखा तो अन ट्रांसलेशन का यहाँ पे सवाल नहीं होता है तो ये हो गया आपका फिफ्थ स्टेप हो गया अन ट्रांसलेशन पांच स्टेप हो गए के पश्चात स्टेप पे आपका चेक किया जाता है ए सी एल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और पश्चात जो है आपके सेवेंथ स्टेप पे आपका होता है एफ मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क चेक होता है आठवें स्टेप पे आपका आता है यहाँ पे क्या कि यदि सि, सिस्को का फायर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है तो वो मॉड्यूल चेक होगा यहां पे या फिर अगर आपने कोई कंटेंट सिक्योरिटी वाला मॉड्यूल लगा रखा है वो आपका यहां पे यूज होगा तो ज्यादा जगह नहीं है तो मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल या फिर आपका कोई सी एस सी मॉड्यूल ओके तो आठवें स्टेप में नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल और सी मॉड्यूल चेक होगा नाइन्थ पे आके आपका क्या चेक होगा ड राउट लुकअप होगा।, लुक होगा राउट लुकअप होगा।, लुक होगा अब यहां पे अगर हम पैकेट की बात करें तो पैकेट का डेस्टिनेशन है कंप्लीट जो है वो अगर यहाँ पे लिखेंगे तो हमें जगह नहीं बचेगी लेकिन समझने के लिए तो लिखना पड़ेगा तो जो सोर्स आई होगा वो हमारा वन नाइन टू वन हंड्रेड होगा और डेस्टिनेशन आईपी पी वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट वन जीरो टू डॉट हंड्रेड इस प्रकार का एक पैकेट बनेगा जो कि हमारे इंटरफेस पे आया तो पहला पैकेट इंटरफेस पे आ गया कनेक्ट इनपुट काउंटर वन हो गया तो यहां पे लिख देते हैं पैकेट रिसीव्ड काउंटर इंक्रीमेंटेड बाय वन ओके तो पहला पैकेट आया काउंटर जो है इनपुट काउंटर प्लस वन कर दिया कनेक्शन टेबल देखा टीसीपी स्टेट देखा ए किया एसीएल देखा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मॉड्यूल यूज होगा राउट होगा और पॉइंट पे आके पहले तो फिफ्थ पे तो होता है अनट्रांसलेट और यहाँ पे जो आपका टेंथ स्टेप है यहाँ पे आपका होता है ट्रांसलेशन यानी कि जो हम वो बात कर रहे हैं अन ट्रांसलेशन तो ये आपका डेस्टिनेशन को क्या किया जाता है अनट्रांसलेट किया जाता है तो फिफ्थ स्टेप पे यदि डेस्टिनेशन आईपी ट्रांसलेटेड है उसे किया जाएगा और यहां पे टेंथ uh, पे क्या किया जाएगा ट्रांसलेट और यहां पे जो ट्रांसलेट किया जाता है वो सोर्स को ट्रांसलेट किया जाता है सोर्स आईपी एड्रेस का ट्रांसलेशन ठीक है, टेंथ हो गया इलेवेंथ स्टेप पे आपका चेक होगा आईपीएस मॉड्यूल ट्वेल्थ स्टेप पे पैकेट किस पे आ जाएगा आउटसाइड या इग्रेस इंटरफेस पे आपका और तेरहवें स्टेप पे आपका चेक किया जाएगा वीपीएन और वीपीएन के पश्चात आपका जो यहां पे है वीपीएन कंडीशन चौदहवें स्टेप पे आपका रिजोल्व किया जाएगा लेयर टू रिजोल्यूशन नेक्स्ट होप के लिए ओके okay. तो समझ जाना क्योंकि ज्यादा जगह यहां पे नहीं है तो लेयर टू रिजोल्यूशन फॉर नेक्स्ट होप और फिफ्टींथ स्टेप पे उसको क्या किया जाएगा पैकेट को ट्रांसमिट तो टोटल पंद्रह स्टेप्स होते हैं ओके तो चलो अब इनको रिकॉल करते हैं पैकेट हमारा लेन हमारा लेन यानी के कम्युनिकेट करना चाहता है पीसी टू से पैकेट बनेगा पैकेट फायरवॉल पे आया फायरवॉल ने पैकेट रिसीव किया इनपुट काउंटर प्लस वन कर दिया कनेक्शन टेबल देखेगा कनेक्शन टेबल से मैच करेगा तो ए सी एल बाईपास किया जाएगा कनेक्शन से मैच नहीं किया जाएगा तो टीसीपी स्टेट अथवा पैकेट यूडीपी है ये यहाँ पे चेक किया जाएगा उसके बाद उन्ट्रांस्लेट होगा, उन्ट्रांस्लेट है, तो का किया जाएगा, जो कि हमारा नहीं है लोअर सिक्योरिटी लेवल, लेवल पे जा रहा है तो हायर टू लोअर एसीएल उसे अलाउ करेगा एम पी एफ मॉड्युलर पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर डीपर इंस्पेक्शन होता है हमारा पैकेट अटैक नहीं है नॉर्मल है अलाउ होगा यदि फायरवॉल के अंदर मॉड्यूल लगा हुआ है कंटेंट सिक्योरिटी का या नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का तो वो एट स्टेप पे आके चेक होगा अब नाइन्थ पे आती है राउट लुकअप फायरवॉल देखेगा डेस्टिनेशन वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट वन जीरो टू डॉट हंड्रेड ना ये इनसाइड से मैच करेगा ना आउटसाइड से मैच करेगा बट फायरवॉल के पास एक डिफॉल्ट राउट होगा इंटरनेट की तरफ तो डेफिनेटली इसका जो राउट है वो आउटसाइड इंटरफेस के रास्ते मैच करेगा यानी ये पैकेट फॉरवर्ड किया जाएगा किसके द्वारा आउटसाइड इंटरफेस के द्वारा तो नेक्स्ट हो पता चल गया ये पैकेट आउटसाइड से बाहर जाएगा नाइन्थ स्टेप पे पता चल गया फिर है हमारा ट्रांसलेशन क्या कोई ट्रांसलेशन रूल है नहीं है नहीं है तो ये भी आपका नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे फिर आईपीएस कंडीशन चेक की जाएंगी आईपीएस देखेगा इसके अंदर कोई अटैक तो नहीं है नहीं है उसके बाद आएगा आपका पैकेट ईग्रेस इंटरफेस यानी आपका यहाँ पे आ गया आउटसाइड इंटरफेस पे आ गया आउटसाइड इंटरफेस पे आ गया आउटसाइड इंटरफेस पे, पे ही हमने क्या कंफिगर कर रखा है आउटसाइड इंटरफेस पे ही आपका दो चेक किया जाएगा कि पैकेट आपका जो है वो वीपीएन से जाएगा या पैकेट आपका इंटरनेट पे जाएगा नॉर्मल तो वीपीएन कंडीशन चेक की जाएंगी पहले तो पैकेट एग्जिट इंटरफेस पे आएगा तो यहाँ पे आपका वीपीएन चेक किया वीपीएन कंडीशन कहती है कि वन जीरो वन डॉट सोर्स है मैच कर गया वन जीरो टू डॉट एक्स डेस्टिनेशन है मैच कर गया यानी के ये वाला पैकेट आपका किससे मैच कर गया ये वाला पैकेट आपकी वीपीएन कंडीशन से मैच कर गया तो यहां पे जैसे ये वीपीएन से मैच किया तो ये पैकेट इंटरनेट की बजाय से निकल जाएगा वीपीएन से निकल जाएगा तो कर दिया जाएगा इनक्रिप्ट करके दोबारा से जो प्रोसेस है वीपीएन की यानी कि वीपीएन से फॉरवर्ड हो जाएगा इस प्रकार से आपका वर्क करेगा नॉर्मल तो पैकेट जैसे ही आया पहले रिकॉल करा देता हूं क्योंकि इसमें समझना बार बार पड़ता है तो अगर आपको आ, समझ में आ गया है तो अच्छा है वरना फिर से रिकॉल करा देता हूं जैसी पैकेट फायरबोल के इंटरफेस पे आएगा इनपुट काउंटर वन होगा कनेक्शन टेबल देखा जाएगा टीसीपी स्टेट और यूडीपी पैकेट देखा जाएगा और उसको क्या किया जाएगा फिफ्थ स्टेप पे अनट्रांसलेट किया जाएगा तो फर्स्ट स्टेप पैकेट रिसीव्ड सेकंड स्टेप काउंटर वन थर्ड स्टेप कनेक्शन टेबल देखो फोर्थ स्टेप टीसीपी स्टेट चेक करो फिफ्थ स्टेप अनट्रांसलेट करो सिक्स पे एसीएल चेक करो एमपीएफ चेक करो नेक्स्ट में एट स्टेप पे फायर पावर या कंटेंट सिक्योरिटी नाइन्थ पे राउट लुकअप होगा तो पैकेट आउटसाइड से मैच करेगा पे उसको ट्रांसलेट करेंगे कोई ट्रांसलेशन रूल नहीं है तो IPS चेक होगा पैकेट, पैकेट को बाहर भेज दिया जाएगा इस प्रकार से ये वर्क करेगा नॉर्मली अब इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं यहाँ पे नेटिंग एड कर देते हैं तो हमने फायरवॉल पे क्या कर दिया नेट कर दिया तो कमांड चलाया नेट कमांड जो है लैब के अंदर आप देख सकते हो कि ट्रैफिक यदि इनसाइड से आता है और जाता है आउटसाइड जाता है तो उसको क्या करना है सोर्स को ट्रांसलेट करना नेट इनसाइड आउटसाइड सोर्स को बदलना है डायनामिक बदलना है और 192.168.101.0 नेटवर्क को आउटसाइड इंटरफेस के साथ ट्रांसलेट कर देना है तो ये हमने यहाँ पे नेटिंग की कमांड डाल दी ओके अब जो पैकेट है उसको आपने लेके आना है तो अब स्टेप्स वही रहेंगे बट अब पैकेट को लेके आओ दोबारा से तो पैकेट आया इंटरफेस पे पैकेट रिसीव हो गया काउंटर वन हो गया कनेक्शन टेबल देखा का टीसीपी स्टेट देखा अनट्रांसलेट नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे अनट्रांसलेशन एप्लीकेबल नहीं है ए सी एल हायर टू लोअर अलाउ करेगा एम पी एफ अलाउ करेगा नेक्स्ट जनरेशन अलाउ करेगा राउट लुकअप आउट साइड से मैच करेगा और अब बात आती है ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन अब होगा आपका तो ये पैकेट ट्रांसलेशन रूल के पास आ गया लो जी पैकेट किसके पास आ गया ट्रांसलेशन रूल के पास आ गया अब ट्रांसलेशन रूल में चेक की जाएगी कंडीशन क्या ट्रैफिक इनसाइड से आ रहा है क्या ट्रैफिक आपका यहाँ पे इनसाइड से आ रहा है यस yes, कहाँ जा रहा है आउटसाइड जा रहा है सोर्स को बदलो डायनेमिक बदलो प्राइवेट को पब्लिक कर दो तो इस पैकेट को क्या कर दिया जाएगा इस पैकेट को आपका अं...

192.168.102.0 या 102.100 इस प्रकार से आपका ये पैकेट अनट्रांसलेट हो गया कितने स्टेप पे टेंथ स्टेप पे जाके ये पैकेट आपका ट्रांसलेट uh, हो गया नॉट अनट्रांसलेट ट्रांसलेट टेंथ पे हैं तो सोर्स आईपी सोर्स आईपी ट्रांसलेट कर दिया करके पैकेट किसको दिया आईपीएस को दिया आईपीएस के बाद पैकेट आउटसाइड इंटरफेस पे आ गया अब यहाँ पे जो है VPN कंडीशन चेक की जाएगी VPN पूछेगा क्या सोर्स आईपी 101.x है नहीं डेस्टिनेशन तो मैच कर रहा है सोर्स मैच नहीं कर रहा है. तो VPN के लिए सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों मैच करने चाहिए थे जो कि मैच नहीं कर रहा है तो VPN यहां पे आपका क्या हो जाएगा VPN कंडीशन नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी तो पैकेट अब VPN पे ना जाएगा तो पैकेट किस पे नहीं जाएगा पैकेट अब VPN पे ना जाके नॉर्मल उसको नेक्स्ट तो ये पैकेट जो कि वीपीएन का था लेकिन कहां इंटरनेट पे क्यों चला गया इंटरनेट पे इसलिए चला गया पैकेट फ्लो के हिसाब से टेंथ स्टेप पे ट्रांसलेशन होता है और थर्टीन स्टेप पे वीपीएन कंडीशन चेक होती है तो उस हिसाब से जब पैकेट आया तो वीपीएन ट्रैफिक को भी नेट कर दिया जाएगा क्योंकि वीपीएन और नेटिंग एक ही इंटरफेस पे है तो वीपीएन का ट्रैफिक और नेट का ट्रैफिक एक से निकलेगा तो उस केस में वीपीएन का ट्रैफिक भी ट्रांसलेट हो जाएगा जैसे ही टेंथ स्टेप पे सोर्स आईपी ट्रांसलेट हुआ तो वो वीपीएन कंडीशन से मैच नहीं करेगा तो पैकेट इंटरनेट पे चला जाएगा तो आपको बताया था कि वीपीएन के लिए आइडेंटिटी नेट किया जाता है क्या किया जाता है आइडेंटिटी नेट तो चलो आइडेंटिटी नेट अब इस सीक्वेंस इस स्टेटमेंट से बात करेंगे तो वो जो है यही चेक हो जाएगा तो आइडेंटिटी नेट हमें नॉर्मल पैट से पहले कन्फिगर करना पड़ेगा तो कमांड कुछ इस तरह से रहेगी तो अगर आपने वीपीएन और VPN और नेट कन्फिगर कर रखा है तो वीपीएन काम नहीं करेगा सारा ट्रैफिक इंटरनेट पे भाग जाएगा तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी नेट करना पड़ेगा जो पैट से पहले होगा कि नेट ट्रैफिक आएगा इन से जाएगा कहां पे ट्रैफिक आएगा आपके इन से और जाएगा कहां पे इन से आएगा और वो आउटसाइड पे जाएगा क्या बदलना है सोर्स बदलना है कैसे बदलना है स्टैटिक बदलना है कौन आएगा वन इंटरनल नेटवर्क 101.0 आएगा उसको हमने उसी के अंदर बदल देना है 101.0 के अंदर यदि डेस्टिनेशन उसका कितना है 192.168.1.0.2.0 तो इस प्रकार से कमांड और भी है बट समझने के लिए इतना ही तो हमने आइडेंटिटी नेट कॉन्फ़िगर किया कि इनसाइड नेटवर्क को इनसाइड में में बदल दो यदि डेस्टिनेशन वीपीएन है तो जब हमने ऐसा किया तो अब पैकेट को फिर से हमने क्या करना है पास कराना है पैकेट फ्लो के अनुसार तो पैकेट जो है हमारा क्लाइंट ने क्या भेजा क्लाइंट ने पैकेट भेजा अब क्लाइंट ने जैसे ही पैकेट भेजा यहाँ पे तो पहला पैकेट आया पैकेट इंटरफेस पे आ गया काउंटर वन हो गया कनेक्शन टेबल से मैच किया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं टीसीपी स्टेट चेक की गई अनट्रांसलेट यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है एसीएल हायर टू लोअर जाएगा एमपीएफ इसको ओके okay कहेगा फायरवॉल मॉड्यूल इसको ओके okay कहेगा राउट लुकअप मिल गया आउटसाइड से ये हमारा जो पैकेट है आउटसाइड इंटरफेस से बाहर जाएगा और यहाँ पे आपका क्या चेक होगा ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन होगा अब पैकेट आया तो पैकेट पहले चेक होगा आइडेंटिटी कर रखा है तो आपका आइडेंटिटी नेट से तो आइडेंटिटी नेट पूछेगा इनसाइड से आ रहे हो आउटसाइड जा रहे हो यस yes, सोर्स कितना है 101 है हाँ मैच कर गया डेस्टिनेशन 102 है मैच कर गया तो 101 को 101 के अंदर ही क्या कर देना है ट्रांसलेट कर देना है तो यानी इस पैकेट को ट्रांसलेट कर दिया जाएगा किस प्रकार से पैकेट को ट्रांसलेट कर दिया यहाँ पे आ, सोर्स आईपी यानी 101 को 101 रहने दो तो सोर्स आईपी 192.168.101.100 ही रहा और डेस्टिनेशन आईपी के साथ कोई छेड़छाड़ है ही नहीं तो 192.168.192 168192168102.100 इस प्रकार का आपका क्या बनेगा यहां पे यानी सेम पैकेट ट्रांसलेट होगा उसी के अंदर उसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा ट्रांसलेट हो गया ट्रांसलेट होने के बाद आईपीएस ने ओके कहा पैकेट आउटसाइड इंटरफेस पे आ गया वीपीएन कंडीशन मैच करेगा अब वीपीएन ने पूछा सोर्स वन जीरो वन डॉट एक्स हाँ वन जीरो वन डॉट एक्स डेस्टिनेशन वन जीरो टू डॉट एक्स यस तो पैकेट आपका वीपीएन के रास्ते निकल जाएगा तो ये होता है हमारा

था तो वीपीएन वाला ट्रैफिक था इस हिसाब से पैकेट रिसीव हुआ काउंटर कनेक्शन टेबल टीसीपी स्टेट आ, अन नॉट नौ, एप्लीकेबल ट्रांसलेट करके होके, होके, तो आईपीएस के पास इंटरफेस और के रास्ते, आपका कहां पे भेज दिया के रास्ते भेज दिया यानी चला गया अब यहाँ पे एक पैकेट बनाओ कि जो इंटरनेट पे जा रहा है तो सोर्स आई पी यहाँ पे आपका बना कितना टू वन सिक्सटी एट वन जीरो और डेस्टिनेशन क्योंकि हमें और भी लिखना पड़ेगा तो थोड़ा ये हमें क्लियर कर लेते हैं तो सोर्स आई पी वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट वन जीरो वन डॉट हंड्रेड डेस्टिनेशन आईपी एट डॉट एट डॉट एट डॉट एट इस प्रकार का एक पैकेट किसके पास आया फायरवॉल के पास आया पैकेट रिसीव हुआ काउंटर वन हुआ कनेक्शन टेबल चेक किया यानी आपका एज इट इज होता रहेगा पैकेट आपका रिसीव हुआ तो ज्यादा जगह नहीं है तो समझ जाना है पैकेट रिसीव हुआ यहाँ पे तो पैकेट रिसीव हुआ काउंटर वन किया कनेक्शन टेबल देखा टीसीपी स्टेट देखा अनट्रांसलेट नॉट एप्लीकेबल है ए सी एल देखा एम पी एफ चेक किया नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ने ओके का हर अप आउटसाइड से मिला ट्रांसलेशन टेबल तो ये पैकेट आया तो जब ये पैकेट आएगा तो ये पैकेट जब आया तो आइडेंटिटी नेट चेक होगा आइडेंटिटी नेट पूछेगा सोर्स 101 है yes. Destination 102 है यस डेस्टिनेशन 102 नहीं तो ये आइडेंटिटी नेट से मैच ना करके ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट पैट से मैच करेगा तो दूसरी नेट वाली स्टेटमेंट ये है इन से आ रहा है बाहर जा रहा है यस yes. सोर्स कितना है वन जीरो हाँ. तो सोर्स को पब्लिक आईपी में बदल दो तो इसको बदल दिया जाएगा आपका सोर्स आईपी वन और डेस्टिनेशन आईपी डॉट एट डॉट एट डॉट एट इस प्रकार से आपका क्या होगा यहाँ पे पैकेट पैकेट ट्रांसलेट हो गया स्टेप पे आईपीएस को दिया आईपीएस को देने के पश्चात पैकेट आईपीएस को देने के पश्चात पैकेट ईग्रेस इंटरफेस पे आया आउटसाइड इंटरफेस पे आ गया फिर चेक किया वीपीएन इस बार वीपीएन नॉट एप्लीकेबल क्योंकि सोर्स डेस्टिनेशन वीपीएन से मैच नहीं करेगा मैच नहीं करेगा तो लेयर टू रेजोल्यूशन नेक्स्ट होप यानी नेक्स्ट होप का रेजोल्यूशन होगा पैकेट को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा और ये वाला पैकेट जो आपका है किस पे जाएगा ये वाला पैकेट आपका इंटरनेट पे जाएगा तो पैकेट ट्रांसमिट हो जाएगा इंटरनेट पे ट्रांसमिट हो जाएगा तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ए पैकेट फ्लो के बारे में पढ़ सकते हैं अथवा जान सकते हैं टोटल पंद्रह स्टेप्स होते हैं सभी रटने की जरूरत नहीं है बस इतना जरूरी है न कि पहले अनट्रांसलेशन होता है सारे राज याद रख सकते हो तो अच्छा है पहले अनट्रांसलेट होगा फिर ए चेक होती है 8.4 और लेटर के अंदर बाकी आइडेंटिटी नेट क्यों जरूरी है आइडेंटिटी नेट इसलिए जरूरी है कि वीपीएन कंडीशन पॉइंट पे आके चेक होती है नेट वो दसवे पे हो जाता है तो वीपीएन ट्रैफिक भी नेट हो जाएगा तो वीपीएन ट्रैफिक नेट ना हो इसके लिए आइडेंटिटी नेट का हमें इस्तेमाल करना है और आइडेंटिटी नेट की स्टेटमेंट नॉर्मल पैट से पहले होगी ये है हमारा सिस्को ए एस वर्जन एट पॉइंट ए एस एस वर्जन एट पॉइंट फोर और लेटर का पैकेट फ्लो धन्यवाद